तीन के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बहन बेटी के भाग्य का धन, दूसरा गौ माता के भाग्य का धन, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का धन प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगा। घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है तो बाप को उसके भाग्य का धन जरूर मिलेगा। दरवाजे पर गाय को एक रोटी दी है, उसके भाग्य का धन जरूर मिलेगा। और संत ब्राह्मण को अगर एक गिलास पानी भी पिलाया है तो उसके भाग्य का धन जरूर मिलेगा। पर बाप को कभी बेटे के भाग्य का धन नहीं मिलता, याद रखना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटे के भाग्य का धन कभी बाप को नहीं मिलता। पूरे संसार के पिता की कथा उठाकर देखना, आपके भी घर की कथा उठाकर देखना, बाप अपने बेटों का खाता खुलवाता है, बाप अपने बेटों का बीमा करवाता है, बाप अपने बेटों का अकाउंट खुलवाता है, बाप अपने बच्चों के नाम से जमा करते जाता है। पर कितने औलाद हैं जो अपने बाप का खाता खुलवाती होगी? कितनी औलाद हैं जो अपने बाप के नाम से पैसा जमा करती होंगी कि पापा एक बैंक में अकाउंट तुम खुलवाओ, अभी मेरी कमाई अच्छी चल रही है, खूब आराम से कमा रहा हूं, नौकरी में पैसा अच्छा आ रहा है, पत्नी को भी मत बताओ, पर बाप के नाम से खाता खुलवाकर पिताजी से कहो, मम्मी से कहो, माँ एक खाता मैं खुलवा रहा हूं, तुम दोनों का जो पैसा मैं जमा करूं उसको सत्कर्म में लगाते रहना, तुमने मेरी पढ़ाई में विद्या में खूब खर्च करा, माँ एक खाता मैं तुम्हारे नाम से खुलाना चाहता हूं, एक खाता मम्मी तुम्हारे नाम से, तुम्हारा मन पड़े ना जहां कथा करवा, तुम्हारा मन पड़े वो तीर्थ करने जा, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी मेरे को परवरिश में लगा दी, मेरे को कमा कमा कर मेरी पढ़ाई में लगा दिया, कमा कमा कर मुझको बड़ा कर दिया। अब मेरा फर्ज है, मेरे खाते तुमने खुलवाए थे, आज मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा खाता खुलवाऊं। इसमें कितनी औलादे हैं जो अपने बच्चों को, अपने बच्चे अपना खाता खुलवा ले, बाप उल्टा अपने बेटों के दुख में जब डब्बा गोल कर आता है, शेयर मार्केट में लगा आता है, सारा कर्जे में जब डूब जाता है, तब बाप कैसा भी हो फिर निकाल कर दे देता है कि इसको फिर खड़ा कर दूं, फिर खड़ा कर दूं। पर कितनी औलाद है जो बाप को खड़ा करने के लिए तैयार रहती होगी? और तो भी बहुओं का मुंह भगोने जैसा, जब देखो जब ऐसी फूली फिरे राम कि इसके बराबर कोई नहीं। हे भगवान,